बंगाल में हुए डॉक्टर की निशंस रेप के बाद हत्या के मामले का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा। हम इस वक्त रायबली एम्स में मौजूद हैं, जहां के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पीछे काफ़ी संख्या में तादाद में डॉक्टर मौजूद हैं, जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा होगी तभी हम काम कर पाएंगे, ऐसे हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मामला डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे लगातार उबाल ये मामला गर्म होता जा रहा है। यहाँ रायबरेली एम्स में 3 दिन से ये हड़ताल चल रही है, जिसके चलते OPD और OT की सेवाएं बंद है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे क्या है मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विक्रम है, मैं PMR डिपार्टमेंट से हूँ। जो ये 3 दिन पहले जो बंगाल के मेडिकल कॉलेज में हुआ, ये बहुत ही हिंसाजनक चीज़ें हैं। किसी डॉक्टर के बाद डॉक्टर ऑन ड्यूटी होता है, वो भी इतने लंबे शिफ्ट के बाद 36 आवर्स 36 घंटे आप ड्यूटी करा रहे हो, उसके बाद वो अपने मतलब रेस्ट करने के लिए गई होगी। तो वहाँ पे देखिए, आप डॉक्टर रूम होता है, एक छोटा सा रूम होता है, उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, एक छोटा सा बेड होता है, वो रेस्ट करने के लिए होता है, और पानी होता है, और एक वॉशरूम होता है। ये तो ये देखिए, ये एक ही रूम होता है यूजुअली हर एक अस्पताल, जैसे हमारा अस्पताल है, यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ तो काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है, बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है, और यहाँ पे हमें वॉश मतलब जो हमारा रूम है वो भी काफ़ी अच्छा है, वेल इक्विप्ड भी है। और लेकिन बाकी अन्य जो ज़्यादातर जो स्टेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहाँ पर बहुत स्थिति तो बद से बदतर ही होती है, वो एक इंसान के लायक भी नहीं होता। आप वहाँ जाके देखेंगे तो कुछ भी नहीं होता, पानी भी नहीं होता है, वॉशरूम तो अटैच होता ही नहीं है। लकीली हमारे अस्पताल में तो ये चीज़ें हैं, पर दूसरे अस्पतालों में तो खासतौर स्टेट मेडिकल कॉलेज में तो ये चीज़ें होती ही नहीं है। और आप सोचिए, एक फीमेल डॉक्टर है, उसी में मेल डॉक्टर भी, उसमें फीमेल डॉक्टर है। चलो, यहाँ मेल फीमेल डॉक्टर का तो कोई हमें इससे इशू नहीं होता है, वी डोंट हम इसके बारे में कुछ वो नहीं बोलते हैं कि यहाँ पे क्या डिमांड है कि आपको हमें है कि जल्दी से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए इमीडिएट। जैसे आप कोई और भी चीज़ होती है तो ऑर्डिनेंस पास होती है तुरंत, आप अगर मान लो देश पे हमला होगा तो तुरंत गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास करिए, रातों रात होती है। ऑर्डिनेंस एक बनाया गया है जो लॉ के, जो हमारे पार्लियामेंट ने, जो संविधान ने हमें एक दी हुई है कि ऑर्डिनेंस पास होता है, इमीडिएट ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए, और उसको 2/3 मेजोरिटी से, जो स्टेट जो मेजोरिटी होती है 2/3 दोनों असेंबली में, दोनों सभा में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, उसको आनन फानन में तुरंत बुलाना चाहिए और ये पास करना चाहिए। आप कब तक किसी डॉक्टर को, या डॉक्टर नहीं यहाँ पे तो किसी की भी सिक्योरिटी है ना, अगर हमारा जो ये बेसिक अधिकार है ना, राइट टू सेफ्टी, वो होना चाहिए ना, अगर यही नहीं है तो फिर कैसे हम काम करेंगे, इतनी इतनी ड्यूटियाँ करनी होती। अब ये मैडम किस लिए, क्या है, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अपराजिता शुक्ला है, और हम हमारा जो मेन मुद्दा है प्रोटेस्ट का, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बंगाल में एक फीमेल रेसिडेंट के साथ क्या हुआ है, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बस इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए ये मोर्चा दे रहे हैं, इसीलिए हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्योंकि हमें सरकार की तरफ से ये आश्वासन चाहिए कि हम जो फीमेल डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स यहाँ रात रात भर काम करेंगे, एमरजेंसी में काम कर रहे हैं, हमें हमारे वर्क प्लेस पे सेफ्टी मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ रात भर भी काम करते हैं, सुबह तक काम करते हैं, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, इमरजेंसी में कोई भी जा रहा है, कोई भी कुछ भी बोल देता है, OPD में बैठे बैठे कोई किसी को मार के चला जा रहा है, और ये जो बंगाल में हुआ, ये तो हद से ज़्यादा बहुत ही बड़ा क्राइम है। तो क्या हम एज अ फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर, मेल रेसिडेंट डॉक्टर, क्या हम सेफ़ हैं, क्या हम यहाँ जा सकते हैं, क्या हम अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ हैं, ये इसका जवाब हमें कौन देगा? हम बस इसी सवाल के जवाब के लिए यहाँ बैठे हैं कि आप हमें बताइए कि क्या कोई लॉयर, आप कोर्ट में जाते हैं, क्या कोई लॉयर किसी को मार के चला जाता है, किसी कोई आता है लॉयर को मार के चला जाता है, पुलिस स्टेशन में पुलिस को कोई मार के चला जाता है, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या हम डॉक्टर्स ही ऐसे हैं कि हमारे पास आएंगे पेशेंट्स हमें मार के चला जाएंगे? हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी डिमांड यही है कि हमें सरकार की तरफ से आश्वासन चाहिए, जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उसकी CBI जांच होनी चाहिए, उसके पीछे जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जो भी उसके पीछे कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ना चाहिए, और हमें पूरी तरह से ये जितने भी स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स की बात अलग है, यहाँ पे अलग तरह की सिक्योरिटी होती है, लेकिन क्या स्टेट मेडिकल कॉलेज में है? हमें इसका आश्वासन चाहिए सरकार से कि सारे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह की सुविधाएं होंगी, प्रोटेक्शन होगा, सब कुछ होगा, यही हमारी मांग है। सर, मेरा नाम डॉक्टर तरुण है, मैं इंटर्न डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे बंद हो रही है? अभी यहाँ पर हमारी इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं, OT और OPD सर्विसेज, जो इलेक्टिव सर्विसेज होती हैं, वो हमने एक बार के लिए होल्ड रखा है, जब तक कोई इस मामले पे जो बंगाल में केस हुआ है उस पर कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता।
तो इमरजेंसी अभी चल रही है क्योंकि सिंस वी आर डॉक्टर्स, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते जो हमारी समाज की तरफ है, तो इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज अभी सारी चल रही हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सौम्य श्रीवास्तव है। मैडम किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या डिमांड है? हमारी डिमांड देखिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो काफ़ी दिनों से डॉक्टर्स ने प्रपोज कर रखा है। आज से 2-3 साल पहले अगर आप सबको याद हो, वेस्ट बंगाल में ही एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ एक रेसिडेंट डॉक्टर को इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 100-150 लोग घुसकर आए थे और उनको मार करके गए थे। तो आप वर्क प्लेस सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बेसिक ह्यूमन राइट है, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमको बस इतना बोल रहे हैं कि भाई हमें हमारा काम शांति से करने दो। मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी मांग है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट तो पास होना ही चाहिए। ये थे हमारे साथ रायबली एम्स के डॉक्टर प्रदर्शनकारी डॉक्टर, जो कह रहे थे कि जो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है वो जल्द से जल्द लागू हो और वर्क प्लेस में जो सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है उसका भी सरकार जल्द से जल्द समाधान करे। रायबली से मोहन कृष्ण, न्यूज़ 18।